थैंक यू कुसुम। बहुत दिल दुखाया ना मैंने तुम्हारा। हाँ बहुत ज्यादा। आधी रात को कहाँ चली गई थी मुझे बिना बताए? सॉरी, अब कभी नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो डैनी। चलो तुम्हें मेरे प्यार का एहसास तो हुआ, लेकिन अब तुमसे कोई सॉरी कोई प्लीज नहीं थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू कुसुम। और अब ना तुम गायब भी नहीं हो पाओगी, अपने हाथ से बांध दूंगा तुम्हें। अरे ये दिख गई तुम्हें, तुम्हारे लिए ये हमारी नई शुरुआत के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं रानी, इस पे तो मेरे मुंह में चॉकलेट लगी है। अभी तो क्यूट लग रही हो। जब हंसती हो तो सुंदर भी लगती हो। अच्छा तो फिर रोज मेरे लिए चॉकलेट लानी पड़ेगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भी तुम ही फुटबॉल की तरह गोल बन जाओगी। मैं मोटी हो जाऊंगी तो प्रॉब्लम है? सोच रहा हूँ। तुम मोटी हो जाओगी तो और भी क्यूट लगोगी। वेल, अब तो तुम हमारी टीम में हो, तो कल हमें भैया को कुछ भी करके जिताना है। हो जाएगा, हम सुबह सबसे पहले जाकर ढेर सारी पतंग खरीद लेंगे चंदूलाल की। एक मिनट, चंदूलाल की दुकान से नहीं, हम मोहनदास की दुकान से लाएंगे। उसके यहाँ बड़ी पतंगें मिलती है, ढील दो तो आराम से सामने वाली कट जाएगी। ढील देकर तो बच्चा भी पतंग कट ले, असली खिलाड़ी तो वो होता है जो मांझे से खींच कर पतंग काटे। अच्छा तो फिर कल देखते हैं कौन किसकी पतंग काटता है। देख लेंगे, पर हम दोनों तो एक ही टीम में। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। लेकिन पतंग आएगी तो सिर्फ मोहनदास की दुकान से। चंदूलाल, मोहनदास, चंदूलाल, मोहनदास, नोवे, नोवे, बोला ना चंदूलाल। अरे मोहनदास, डैनी तुम मुझसे झगड़ रहे हो। शादी के बाद हमारा पहला झगड़ा। कंग्रेचुलेशंस मिसेस व्यास। दादाजी, सिर्फ फिरकी पकड़ने से कोई पतंगबाज नहीं बन जाता, जब मैदान में आएंगे तब पता चलेगा असली खेल और असली खिलाड़ी। कोई बात नहीं भैया, एक और बार ट्राई करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करो ट्राई करो। ये मेरे बस की बात नहीं है, तब से 5 पतंग फट चुकी है मुझसे। डैनी रहने देते हैं ये। अरे 3 दर्जन पतंग लाई, भले आज कितनी भी फट जाए पर आज तो उड़ा के दिखाइए। चलो वैसे आखिरी वाली भी ऐसे ही फट जाएगी। वैसे पतंग उड़े ना उड़े, लेकिन लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ से उड़ जाऊंगी। कैसे उड़ जाओगे? तुम्हारी फिरकी मेरे हाथ में। मांझा लेकर चली जाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। चलो एक टिप देती हूँ मैं तुम्हें। ये जो कन्नी है ना, वो कैसे बांधते हैं? छोड़ो छोड़ो, वैसे अब तक कन्नी नहीं लगा पाए, तो कल पेच क्या लगाओगे?
अल्पेश ने अपनी जान लड़ा दूंगा। पतंग हार सकता हूं पर तुम्हें नहीं। बात में तो धार है पर पतंग का क्या? पतंग नहीं, तुम्हारा दिल जीतना है। कट गई। सरस पतंग ने हमारी नाक कटवा दी तुमने। अरे ये तो सिर्फ तैयारी है, कल देखते हैं कौन जीतता है। अरे क्या हुआ, पतंग नहीं उड़ानी? बापूजी आज भगवान भी आशीर्वाद देने में बड़ी ढील दे रहे, दोनों हाथों से बरसा रहे। कई दिनों बाद मेरी दोनों बेटियां एक साथ खुश हैं। अरे सरस लाया है ये दिन विद्या, उसे भी शाबाशी दे देना। जरूर बापूजी जरूर, मोती जैसी बेटियां तू हीरो जैसे दामाद दिए हैं, अब बदनजर से भी तू ही बचाना भगवान। ए भगवान, माँ अकेली का कम थी जब तुम भी उनकी तरह बात कर रही हो। हाँ हाँ, हम दोनों ही तेरे दुश्मन हैं। आ, अरे उठ, जरा बाहर देख, देख जरा ध्यान से देख, क्या वो तेरे अपने हैं? बाहर से आए हुए वो दोनों लड़कों की जय जय हो रही है। अरे तेरी बहनों को तो ठीक, तेरे दादाजी तेरे काकाजी किसी को भी तेरी याद नहीं आ रही है। मगर माँ बाहर कोई दावत तो चल नहीं रही कि वो एक एक का हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएंगे। यश, यश, आपका दिल बहुत साफ है, इससे तो आपको अपना मान बैठी मैं, पर आप जितने सीधे उतने यहाँ सब लोग नहीं है। मैंने यहाँ अपनों को रंग बदलते हुए देखा है यश, अगर ये लोग आपको अपना वारिस मानते तो डैनी और सरस से ज्यादा आपको कारखाने की जिम्मेदारी देते, और काका तो यही चाहेंगे ना कि बड़े से बड़ा हिस्सा उनके दामादों को मिले ताकि उनकी बेटियां खुश रहें। और काका को रुकेगा कौन? दुग्बा बुआ तो खुद यही चाहती है, वो तुम्हें सिर्फ अपना भतीजा मानती है यश, और बेटा सरस को। मगर कलिका, दादाजी ऐसा क्यों करेंगे? वो तो जायदाद के बराबर हिस्से करेंगे ना। खुट्टी बात ना बोलू यश, दादाजी को आजकल सरस के सिवा और कुछ नहीं दिखता। पता नहीं दोनों मिलकर क्या साजिश करते रहते और हमें कुछ पता भी नहीं लगने देते। बहती गंगा में हाथ धो ले यश, नहीं तो ऐसा होगा बाहर वाले आके सब कुछ बटोर के ले जाएंगे। माँ, क्या आपको सच में लगता है कि दादाजी ऐसा करेंगे? अभी तसल्ली कर लो यश, दादाजी से कहो कि तुम्हें ऊपर वाले कमरे की चाबी चाहिए, अगर दादाजी ने दे दी तो फिर मेरे मुंह से कभी कोई शिकायत नहीं निकलेगी।